हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलिक टेक। कल मैंने जो वीडियो बनाया था कि आरबीआई ने 3 मंथ्स के लिए मोरेटोरियम दिया है बैंक्स के लिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे थे क्रेडिट कार्ड पेमेंट ड्यूज के ऊपर कि उस पर 3 मंथ्स का मोरेटोरियम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल तक क्लेरिफिकेशन नहीं था क्योंकि आरबीआई के प्रेस नोट में लिखा हुआ था कि वहाँ पर टर्म्स लोन्स के ऊपर या फिर रिटेल लोन्स के ऊपर आपको 3 मंथ्स का मोरेटोरियम मिल रहा है। लेकिन शाम तक एक प्रेस रिलीज की गई आरबीआई की तरफ से, इसमें बताया गया कि यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज भी हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीएनबीसी का एक ट्वीट किया गया था, आरबीआई हैज क्लेरिफाइड दैट क्रेडिट कार्ड ड्यूज आर इंक्लूडेड इन द टर्म्स लोन विच बैंक ऑन ऑफर 3 मंथ्स मोरेटोरियम। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि 3 मंथ्स का जो मोरेटोरियम मिला है ये आपका क्रेडिट कार्ड ड्यूज पर भी है, और क्रेडिट कार्ड लोन जिसने ले रखा, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन्स वगैरह बैंक्स प्रोवाइड करती है तो उस पर भी आपको 3 मंथ्स का मोरेटोरियम दिया गया है। यहाँ पर ये बात क्लियर है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप प्रेस नोट भी पढ़ सकते हैं, आरबीआई की तरफ से दिया गया प्रेस नोट यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेस नोट में बात कही गई है, यहाँ पर सारी चीज़ लिखा है, और कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक जितने भी हैं सारे इसमें इंक्लूड हैं, ऐसा कोई नहीं बाकी है, तो प्रेस नोट पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रख ली, इस पर जो इंटरेस्ट लगने वाला वो आपका 3 मंथ्स का लगेगा, अभी आपको नहीं देना है लेकिन बाद में इंटरेस्ट आपको देना है। तो यहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करने वाले हैं क्योंकि उनको कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है तो आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर ही लें, अगर नहीं करेंगे तो आपको इंटरेस्ट उतना लगेगा, आपको पेनाल्टी नहीं देना है लेकिन इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट क्लियर यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं, द रीपेमेंट शेड्यूल फॉर सच लोन्स आर आल्सो रेसिडुअल टेन्योर विल शिफ्टेड अक्रॉस द बोर्ड बाई 3 मंथ्स आफ्टर द मोरेटोरियम पीरियड। इंटरेस्ट शैल बी कंटिन्यू अकॉर ऑन द आउटस्टैंडिंग पोर्शन ऑफ द टोटल लोन्स ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। तो आपको लोन्स पर जो मोरेटोरियम पीरियड पर जो है इंटरेस्ट वो लगता रहेगा, वो माफ़ नहीं, फिलहाल अभी 3 महीने के लिए नहीं लगेगा, मार्च अप्रैल मई, उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के लिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, यहाँ पर इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा, तो कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। आपको पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का तो आप पेमेंट कर ही लें। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पूछा गया था बजाज लोन्स के बारे में, तो उसमें बता दें बजाज लोन्स भी यहाँ पर इंक्लूड है, 3 मंथ्स का जो मोरेटोरियम पीरियड आपको मिल रहा है तो वो बजाज लोन्स के अंदर आता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बजाज लोन में भी आपको 3 मंथ्स का मोरेटोरियम है क्योंकि यहाँ पर क्लियर प्रेस नोट आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल टर्म्स लोन इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लोन्स, टर्म्स लोन, रिटेल्स लोन, कॉप्स लोन और कमर्शियल बैंक इंक्लूड रीजनल एंड रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरियाज बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और NBFC इंक्लूडिंग HDFC वगैरह। तो आप NBFC के अंदर आपका बजाज का भी आता है, तो आप गूगल करके देख सकते हैं NBFC के अंदर कौन कौन से, तो बजाज का भी नाम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि बजाज फिनसर का जो लोन्स वगैरह वो उसके अंदर भी आता है, तो 3 मंथ्स मोरेटोरियम पीरियड में बजाज लोन्स भी आता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था क्रेडिट बी और कैश बिन के बारे में, तो कैश बिन क्रेडिट बी भी NBFC के अंदर आता है, तो ये भी इस 3 मंथ के मोरेटोरियम पीरियड में इंक्लूड है। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन था होम क्रेडिट ऐप के बारे में, वो भी ड्यूरेबल लोन प्रोवाइड करती है, तो ड्यूरेबल लोन्स भी यहाँ पर 3 मंथ्स के मोरेटोरियम पीरियड में आता है, तो यहाँ पर क्लियरिफाई RBI ने पहले ही कर चुका था कल ही कि ड्यूरेबल लोन्स पे भी आपको 3 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा। तो होम क्रेडिट जो एप्लीकेशन है वो ड्यूरेबल लोन्स प्रोवाइड करती है तो वो इसके अंडर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि आपको सारे लोन्स यहाँ पर इंक्लूड है, RBI ने फिर से क्लियरिफाई करके ही बता दिया है जितने भी लोन्स हैं आपके 3 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली बैंक के ऊपर, फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर छोड़ दिया है, वो क्या इसके ऊपर रूल्स और रेगुलेशन बनाती है ये डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि RBI ने यहाँ पर ये नहीं कहा है कि मस्ट करना ही है, कैन वर्ड का यूज़ किया गया कि कर सकते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से उनका फाइनेंशियल अपना चल रहा है, NPAs वगैरह उसके रिगार्डिंग वो माफ़ करेंगे या फिर किस तरह से रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे आपका अभी EMI वगैरह कटने वाला होगा तो कट सकता है क्योंकि वो इंडिविजुअली छोड़ दिया गया है प्राइवेट कंपनीज वगैरह जो भी बैंक्स हैं उनके ऊपर। तो बहुत सारे बैंक अभी कोई रूल्स वगैरह नहीं लाए, SBI ने सिर्फ अभी अनाउंस किया है उसके बारे में कि हम जो है कस्टमर्स को यहाँ पर ड्यूरेबल जो भी 3 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड RBI ने सजेस्ट किया है वो हम दे रहे हैं, तो आपका SBI का अकाउंट में कोई लोन्स वगैरह चल रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली अब नहीं कटेगा, ना ही कस्टमर्स को कोई एप्लीकेशन वगैरह देना है, क्योंकि कल रजनीश कुमार ने यहाँ पर इंटरव्यू में ही बात कही थी, और बाकी बैंक के कोई भी CEOs के तरफ से कोई भी न्यूज़ वगैरह अभी तक नहीं आया है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्या वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। कल फेडरल बैंक के CEO CNBC न्यूज़ से भी कहा है कि कस्टमर्स को 2 ऑप्शंस देंगे यहाँ पर, कि कस्टमर अगर पे करना चाहते हैं तो अभी पे कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो जो RBI ने सजेस्ट किया है 3 मंथ्स का मोरेटोरियम पीरियड तो वो भी उन पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहाँ मोरेटोरियम पीरियड में आपका इंटरेस्ट का अमाउंट लगता रहेगा, वो अभी आपको नहीं देना है लेकिन 3 मंथ्स बाद आपको इंटरेस्ट का अमाउंट देना है, तो इंटरेस्ट अमाउंट पे यहाँ पर छूट नहीं दी गई। तो यहाँ पर कस्टमर के लिए इसीलिए फेडरल बैंक के CEO ने 2 ऑप्शंस रखे हैं, वो चाहें तो
अभी लोन पे कर सकते हैं, नहीं तो वो थ्री मंथ अगर उनके पास कैश नहीं है कैश फ्लो तो बाद में भी कर सकते हैं, तो इंटरेस्ट वगैरह से बच सकते हैं यहाँ। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा, ये क्लियर है, इंटरेस्ट में छूट नहीं देगी, सिर्फ थ्री मंथ्स का आपको ईएमआई जो पे करना है वो एक्सटेंड कर दिया गया। वहाँ पर दो फायदे आपको होंगे कि यहाँ पर कोई भी आपका क्रेडिट स्कोर लो वगैरह नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको बाद में पे करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है, मुझे उम्मीद है कि आपकी सारी क्वेश्चंस और क्वेरीज जो हैं क्लियर हो गए हैं। उसके बाद भी कोई सवाल आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्रेडिट कार्ड वाले जो हैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर ही दें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट में छूट नहीं दी गई है। और बैंक अभी बहुत सारी बैंक अभी रूल्स रेगुलेशन लाई नहीं, क्योंकि आरबीआई ने सिर्फ कहा है, सजेस्ट किया है। आप कौन कौन सी बैंक से एप्लीकेबल करती है, आपको थ्री मंथ्स का छूट देती है नहीं देती है, बैंक के ऊपर इंडिविजुअली डिपेंड करता है। बैंक बोर्ड लेवल की मीटिंग होगी, उसमें ये सारी चीज़ें डिसीजन लेंगी और सभी बैंक अपने अलग अलग लेगी। सिर्फ एसबीआई ने कल अनाउंस किया है, बाकी बैंकों का भी कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ शाम तक कुछ ऐसा न्यूज़ वगैरह आता भी है तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। तो ये आपको अपने बैंक से बात करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग कि क्या करना है, यहाँ पर ईएमआई पे करना है नहीं करना है। बैंक ही आपको सजेस्ट कर सकती है, क्योंकि आरबीआई ने यहाँ पर सिर्फ बैंक के ऊपर सारा चीज़ छोड़ दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।